बोले सो नर पै जगत गुरु रविदास महाराज की जय। बोले सो नर पै सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज की जय। महान तपस्वी ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन कौम दे रहवर सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी दे तपस्या अस्थान डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी सचखंड बल्लां विखे अज बहुत ही सत्कारयोग महापुरुष डेरे विखे पहुँचे ने। सारे ही महापुरशां दा डेरे विखे पहुँचण ते जी आया बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। सतसंग जी अज डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी सचखंड बल्लां दे मौजूदा गद्दी नशीन अते चेयरमैन अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन चेयरमैन श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनारस महान तपस्वी सतगुरु स्वामी रंजन दास महाराज जी की रहनमई हेठ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है जिस दे विच साडे बहुत ही सत्कारयोग संत सुरिंदर दास महाराज जी कठार वाले संत गुरदीप गिरी जी महाराज पठानकोट वाले संत जगदीश गिरी जी महाराज पलोटा साहब वाले संत किशन नाथ जी महाराज चिहेड़ू वाले संत गोपालानंद महाराज जी पस्सीवाल संत प्रीतम दास महाराज जी संगतपुर संत बीबी कृष्णा जी बोपा राय संत सीधल दास जी काले वाले भगतां संत हरचरण दास जी शामचासी संत जसपाल सिंह जी उड़ड़ा सत्कारयोग संत लेखराज जी नूरपुर संत पप्पल शाह जी भरों मजारा बीबी सुजाता भगड़ जी लुधियाणा संत नानक गिर जी दसूहा और संत बलराम जी बूटा मंडी वाले अज दे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिच पहुँचे ने जी आया नू। इस दे नाल नाल श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के जनरल सकत्तर श्रीमान सतपाल बिरदी जी और समूह ट्रस्टी साहबान भी अज की मीटिंग दे शामिल ने जी आया नू। बहुत बहुत धन्यवाद। अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा कि जो 2021 दे विच भारत दे विच जनगणना हो रही है उस दे विच रविदासिया धर्म का बखरा काल बनाने वास्ते जो महान महापुरुष इकट्ठे हुए ने उस बारे विचार चर्चा करनगे। सो मैं सब तो पहला बेनती करांगा सत्कारयोग संत सुरिंदर दास महाराज जी कठार वाले नूं कि वो अपने प्रवचन या अपने वचन वो सब संगतां नूं सरवण करवाउणगे। सत्कारयोग संत सुरिंदर दास महाराज जी कठार वाले। साडे बहुत सत्कारयोग सन्मानयोग महान हस्तियां भेख भगवान अज दे प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करन वास्ते आए हन। मैं समूह महापुरखां वलों भी आए अज दे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की आग्या चाहुंदा हाँ जी। मैं क्योंकि अज सोशल मीडिया का जमाना है इसलिए सोशल मीडिया राही अज की जो व्यवस्था है अज की जो शुरुआत है अज की जो जरूरत है जो कि साढ़े स्टेट सैकटरी साहब ने थोड़ा आप जी दसिया है। मैं आप जी दसा कि अज जो कि रविदासिया कौम रविदासिया समाज धर्म जो है रविदासिया धर्म जो है उसकी जो 1911 के शुरुआत की गई समय समय के अनुसार दुनिया से धर्मां का संगठन पैदा होए धर्म बने जिमें कि
संस्थावां बनियां जिमें कि 1920 श्रोमणी अकाली दल बनिया, 1925 ना श्रोमणी अकाली दल बनिया, 1925 लगभग श्रोमणी कमेटी बनी अते आ धर्म जो धर्म है वो 1925 लगभग वो होंद विच आया, पर वो धर्म तकरीबन 1920 तक ही सीमित रहा। उस तो बाद उसका कॉलम जो सी जो सरकार ने श्री मंगू राम जी मंगोवालिए अते होर साढ़े पतवंते सज्जना के सहयोग के नाल वो होंद विच आया सी, तकरीबन 30 तक वो होंद विच रहा। और उस तो बाद उस जो कॉलम सी वो खत्म हो गया, पर आज तक उसनों उस दे प्रति कोई योगदान या मतलब उसते जो सरकार तक पहुँच करने वास्ते उसनों अगे अपने पहुँचाने वास्ते उसनों अगे लिखवाने वास्ते सरकार तक किसी ने आज तक पहुँच नहीं की, जिस करके वो लफज ही जो सी आ धर्मी कॉलम जो खत्म हो गया। अते ए साड़ा जो अपना समाज सी वो एक किस्म का जो बाकी धर्म सी वो अपने अपने बेच उसकी वरतों करते रहे। सो जिसका वर्ण मैं आप दे सामने करदा हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, असी क्योंकि ये पूरे विश्व दे बेच अपना मैसेज जो है जो संदेश है वो मीडिया के राही मला देना चाहते हाँ, जो कि इस आज दे साडे मैसेज नू समाज दे कण कण तक समाज दे हर व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके, जिस नू समझ के अपना के साडा जो मतलब धर्म है रविदासिया धर्म इस नू लोग जो है अपना सकन और इस दा सद उपयोग जो है वो कर सकन। सो आज जिवें 2021 दी जनगणना विच भारत सरकार रविदासिया धर्म अंकित करवाउण हित अलग कलम रखे, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट सिर गुरदनपुर काशी बनारस यूपी डेरा संत सरवन सचखंड बल्लां अते सतगुरु रविदास नाम लेवा महापुरखां वल्लों भारत सरकार दे मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे नां प्रेस नोट जारी करदिआं पुरजोर मंग कीती है कि 2021 विच हो रही मतगणना रविदासिया धर्म का अला कॉलम रख्या जाए। जिक्रयोग है कि भारत के संविधान अनुसार हरेक नागरिक नूं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वह अपनी मर्जी मुताबक किसी भी धर्म नूं मन सकता है अते धर्म ग्रहण कर सकता है। भारत के रविदासिया आधर्मी अनुसूचित जातियां नाल संबंधित करोड़ों नागरिकां जिन्हां विच चमार मोती मोची जाटव रहगर चमक चरमकार जिमें महाराष्ट्र के सतगुरु रविदास महाराज ने रुईदास भी कहते हैं, मध्य प्रदेश के रैदास आदि नावों के नाल भी पुकारते हैं, स्टेटा की भाषा लिंगवेज के मुताबक उत्थे सतगुरु रविदास महाराज के अलग अलग नावों अलग अलग भाषा के मतलब पुकारिया जाता है। सो शामिल जिन्हों संत श्रोमणी श्री गुरुदास जी के श्रद्धालु अनुयायी सेवक होने का माण प्राप्त है। श्री गुरु रविदास महाराज का जन्म 1377 ईस्वी में सिर गुरदनपुर काशी बनारस यूपी विखे होया। आप जी ने अपनी पावन बाणी राही समुची मानवता के कल्याण लई अपनी एकता समानता और सद्भावना का संदेश दिता। सतगुरु रविदास महाराज के श्रद्धालु नाम लेवा सेवकां नूं रविदासिया कहा जाता है। रविदासिया नाम लेवा नागरिकां दा अपना धार्मिक ग्रंथ अमृत बाणी सतगुरु रविदास जी जो रविदासिया मंदरां धर्मशालावां अते गुरु घरां दे विच सुशोभित है। रविदासिया धर्म दे पूरे भारत विच करोड़ां दी गिणती दे विच श्रद्धालु ते नागरिक हन, जो कि तकरीबन 25 करोड़ दे लगभग आबादी है, क्योंकि इतनी वड्डी आबादी दे होण बावजूद भी साडा जिहड़ा नागरिकता है वो बाकी धर्मां दे विच अपना सम्मिलित हो जाती है, जो कि अज तक हिंदू समाज दे विच अपने अंकित हुंदी है। आप जी नूं पता है कि जिवें सिख अज दी आबादी जो है वो 1 करोड़ 90 लख है विश्व दे विच,
और मतलब साढ़े जोड़े आबादी है तकरीबन 25 करोड़ के लगभग मतलब अपने रबदासिया कम्यूनिटी की आबादी है जो कि अपना कौलम कोई होना धर्म जो जो अपने अधिकार तो क्योंकि दूसरे समाजों के उस अपना नाम चले जाता सी गिणती चले जाती सी और जिस दे साडा जो अपने धर्म सी वो अपने अधिकारों तो वांझा रहा। इस करके सतगुरु दास महाराज सरलाव नाम ले सेवकों रवदासिया कहा जाता रवदासिया नाम ला नाम अपना धर्म ग्रंथ अमृत बाणी रवदासिया धर्म के पूरे भारत में करोड़ों की गिणती में श्रद्धालु नागरिक हैं। रवदासिया नाम लेवा नागर किसी नूं मिलन समय जय गुरदेव शब्द नाल संबोधन करते हैं। रवदासिया भाईचारे का कौमी शान हर जो कि 1971 दे विच आप जी मैं दस देव कि इसे डेरे दे विच इसे सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज की हाजरी दे विच 1971 दे विच हरदा निशान जो जो, जो अपने सी वो होंद विच आया डेरा सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी की हाजरी में सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज की हाजरी दे विच डेरा सचखंड बल्लां दे विच 1971 दे विच हरदा निशान जो जो सी कौम का क्योंकि कौ साडा कोई निशान नहीं सी कोई मतलब अपने इस करके निशान जो सी वो उस दिन तो कायम होया। 2011 हुई आखिरी जनगणना में देश के लखा ही रवदासिया नाम लेवा नागरिकों जनगणना के अधिकारित कालम अपना धर्म रवदासिया लिखा पिया सी क्योंकि उस समय रवदासिया धर्म का अपना वखरा कॉलम नहीं सी जो सो असी सतगुरु रवदास नाम लेवा समूह समाज भारत के मानयोग प्रधानमंत्री जी ने श्री राष्ट्रपति जी को मानयोग राष्ट्रपति जी को पत्र भेज के सन्मान बेनती करते हैं कि साल 2021 होने वाली जनगणना के भविष्य में होने वाली देश दी बाकी जनगणना में रवदासिया धर्म का एक वक्रा कलम जो है वो बनाया जाए। आप जी वालों रवदासिया धर्म का वक्रा कलम बनाने नाल करोड़ों रवदासिया अनुयायी जो हैं सतगुरु रवदास महाराज के श्रद्धालुगण उन्होंने एक वक्री पहचान दे नाल जो इंसाफ जो है वो मिल सके। सत्संग जी डेरा श्री 108 सरवनदास जी सचखंड बल्ला के मौजूदा गद्दी नशीन चेयरमैन श्री गुरु रविदास जन्म स्थान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनारस सतगुरु स्वामी रविंद्रदास महाराज जी ने जगत गुरु रविदास महाराज जी के 633वें पवित्र प्रकाश दिवस से 30 जनवरी 2010 श्री गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर श्री गुरबाणपुर बनारस तो रविदासिया धर्म का ऐलान किया। सो मैं बेनती करांगा बहुत ही सत्कारयोग 108 संत गुरदीप गिरी महाराज जी पठानकोट वालों को अज इस मौके पर अपने विचार रखने की कृपालता करें जी। समंतरम रविदास बचनम कोटि दोष विनाशिनम रविदास चरणम ध्यान धरणम कुल समूह उदारनम। सतगुरु रविदास महाराज जी दे पावन दरबार विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी सत्संगत जीओ अलख भारतीय रविदास धर्म संगठन दे संत बाबा नरिंजन दास जी महाराज ते होर संत समाज उन्हां नूं दास वल्लों जय गुरदेव। मेरी बेनती थोड़ी इको कटा दित्ती जाए अज दी जो विशेष कानफ्रेंस है वो रविदासिया धर्म नूं लैके है। रविदासिया धर्म बनाउण दी जरूरत क्यों पई जो साडा रविदासिया भाईचारा है पूरे वर्ल्ड दे विच जो रह रहा है 90% तो भी ज़्यादा जिहड़े लोग ने वो जो किसी धर्म की गल आउंदी है तो हिंदू दसदे रहे लेकिन जिहड़े हिंदू ने वो इन्हां नूं हिंदू मनन लई तैयार नहीं हन। बेसक
मीडिया ये गल कहिंदा है, हिंदू समाज कहिंदा है कि साडा ही अंग है। जेकर हिंदू समाज इन्हां नूं अपना अंग समझदा ते इन्हां नूं मंदिर च जा के दी रुकावट ना होवे, किते घोड़ी ते चढ़दा ते उन्नूं थल्ले ला के कुट्टिया जांदा, किते ए मुच्छां रख लैंदा ते उहदे नाल बदसलूकी कीती जांदी है, जेकर हिंदू इन्हां नूं वाकया ही हिंदू समझ दे ते इस तरह ना हुंदा। इहदा भाव है कि हिंदू नहीं हन, 10% अलग अलग होर धर्मां च ने साडा समाज, जिस तरह बोधी धर्म होया, सिख धर्म होया, पर पूरे भारत नूं लिया जाए तो 90% जिहड़ा रविदासिया समाज है, जो दास ने भारत दे विच घूम फिर के वेख्या, ये अपने आप नूं हिंदू कहलांदा रहा। लेकिन हिंदुआं च साडी कदर नहीं हुई, मजबूरन हो करके जो श्री गुरु रविदास चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री गुरु रविदास जन्म स्थान वाराणसी 2010 दे विच साडा जो उत्थे तख्त है, उत्थों एक वक्रे धर्म दा ऐलान हो गया, जो हौली हौली लोकां तक इस धर्म दे बाबत मैसेज पहुँचना शुरू होया ते अज पूरे वर्ल्ड दे विच लोक अपने आप नूं रविदासिया कहना शुरू कर गए। जिस तरह कि संत बाबा सुरिंदर दास जी कठार वालिया ये गल कही है कि रविदासिया समाज 25 लाख है, 25 करोड़ है, सॉरी 25 करोड़ है। जदों ये समाज 25 करोड़ है ते इन्हां दी गिनती किसी भी धर्म च नहीं हुंदी। जिहो जे असी इलाके च रह रहे हाँ, उह जिहा साडे रीति रिवाज, उह जे साडे पहरावे, ते उसी तरह दा असी धर्म कह दिता। अपनी गिनती असी दसन दी कोशिश नहीं कीती। अज सतगुर दी अपार बख्शिश होई है कि रविदासिया धर्म दा जो 2010 च ऐलान होया साडे तख्त श्री गुरु रविदास जन्म स्थान वाराणसी विच्चों, और उस नूं लोकां ने बड़ी श्रद्धा प्यार दे नाल कबूलिया है। 2021 दे विच जो जनगणना हो रही है उहदे विच उहदा कालम ना होण करके हो सकदा फिर इन्हां दी गिनती ना होवे। इसे करके 2 दिन पहला एक संत समाज की मीटिंग हुई, फिर आज वख-वख संस्था की मीटिंग हुई, और हुण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कीती जा रही है। सारियां जो साडियां मीटिंगां होईयां उन्हां दा निचोड़ दस्या जा रहा है कि असी अपने आप नूं रविदासिया कहलाना होवेगा। इतना जरूरी है कि जदों भी कोई धर्म बनता है उहदे विच काफ़ी मुश्किलां आउंदियां ने। जदों भी कोई नवा धर्म बनिया तो उहदे विच काफ़ी कठिनाइयां आईयां, काफ़ी कुरबानियां देनियां पईयां लोकां नूं। इसी तरह हो सकदा है कि रविदासिया धर्म नूं भी काफ़ी संघर्ष करना पवे। ये समाज संघर्ष करन लई हुण तैयार है,
लेकिन अपनी एक वक्री पहचान बनाने लई मजबूर है। ये नहीं है कि रविदासिया धर्म बन के लोकां दा ही विरोध करेगा। जिस तरह ये धर्म दे नियम ने, हर धर्म दा ये सत्कार करेगा, हर प्राणी दा सत्कार करेगा, क्योंकि सतगुरु रविदास जी ने सिखाया ही ऐसी। उन्होंने कहा सी, ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, सोट बड़ो सब संभ से, रविदास रहे प्रसन्न। गुरु जी ने सानू कहा है कि जो मेरा सेवक है वो मेरी सोच ते चलेगा, जो पूरे विश्व का भला चाहे। गुरु जी ने केवल अपने परिवार, अपने समाज जां अपने देश लई अन्न नहीं मंगया, सगों पूरे विश्व का भला मंगया उन्होंने। दूसरी बेनती है कि थोड़े दिन पहला जो मीटिंग हुई, एक सवाल उठाया मेरे टैलीफोन पर, एक संत महापुरश नाल गल हुई कि नहीं इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। मैं उन्होंने बेनती की कि देखो सतगुरु रविदास जी ने कहा सी, सत संगत मिल रही है मादेव जैसे मधु मखीरा। असी मधुमक्खियां वांग रहना, मधुमक्खियां जिथे प्यार ना रहिंदियां ने, जिथे उन्हां दा आपसी संगठन है, उथे नाल ही नाल वो अपनी राणी मक्खी नू अपना मुखी समझदियां ने, ते उहदे हुक्म नू अटल हुक्म समझदियां ने। इसी तरह जो श्री गुरु रविदास संत समाज पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड दे, ए सारियां संगतां जानदियां ने कि उहदा मुखी जिहड़ा है, चाहे अज असी वख-वख स्टेटां दे विच वख-वख साधु सोसाइटियां बनाईयां ने, हरियाणे च, हिमाचल च, पंजाब च, जम्मू कश्मीर च, फिर मध्य प्रदेश च, पर जितनियां भी स्टेटां ने उन्होंने अपना मुखी संत निरंजन दास जी नूं मन्निया होया। और जिस तरह मधुमक्खियां अपनी राणी मक्खी दे हुक्म नूं अटल हुक्म समझदियां ने, जो राणी मक्खी ने कहता मर मिटदियां, पर अपनी राणी मक्खी दे हुक्म दी हुक्म अदूली नहीं करदियां। इसी तरह अज रविदासिया समाज, अज श्री गुरु रविदास संत समाज पूरे वर्ल्ड दा संत निरंजन दास जी दे हुक्म नूं अटल हुक्म समझदा, और जिस तरह उन्हां दा हुक्म होया उसी तरह वो करन नूं तैयार है। इस करके मेरी बेनती रहेगी कि असी अपनी जिहड़ी गल है उह सरकार तक पहुँचानी है। सियाने कहिंदे ने बिना रोए ते माँ भी दुध नहीं दिंदी। इसी तरह जितनी देर तक असी अपनी फरियाद सरकारां अगे नहीं रखांगे, सरकारां सानू वक्री पहचान नहीं दे सकदियां। बेशक असी अपने गुरु घरां च वक्री पहचान बना ली, जिस तरह साडे जितने गुरु घर ने, जितने धर्म स्थान ने, उन्हां दे विच हर दा झंडा चुल रहा है। बेशक साडा समाज आपसी जो नमस्ते है, जय गुरदेव कह के बुला रहा है। बेशक साडे समाज ने श्री गुरु रविदास अमृत बाणी नूं अपना धर्म ग्रंथ मान लिया है। बेशक साडे समाज ने अपने तखत बनारस, खुरालगढ़ और हरिद्वार नूं ते चित्तौड़गढ़ नूं चार धाम का नाँ दे दिता है, पर फिर भी
साड़ी अजे तक सरकारी तौर ते वखरी पहचान नहीं है। इस करके दास अपने वल्लों पूरे संत समाज वल्लों बेनती करदा कि साड़ी एक वखरी पहचान होवे और साड़ा जो धर्म दा खाना है उसनू उस जनगणना दे विच जगह दित्ती जाए तां कि गुरु रविदास नाम लेवा जिहड़ियां संगतां हन उह भटकण ना कि असीं किहड़ा धर्म रखाईए। धन्नवाद पूरे मीडिया दा, जिहड़ा मीडिया प्रिंट मीडिया चाहे सोशल मीडिया सैटेलाइट मीडिया जो भी पहुँचया होया, क्योंकि इन्हां दे नाल ही ये साडा मैसेज जगह जगह पर पहुँचना है। तो आखिर दे विच जितना संत समाज है और जितने बुद्धिजीवी इत्थे पहुँचे हुए हैं दास वल्लों सबनों जय गुरदेव धन गुरदेव।